हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अक्सर हर महिला अपने जीवन में चाहती है। देखिए, कभी ना कभी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी किसी जो पत्नी होती हैं उनके जो पति इतने कठोर दिल होते हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही बेकार होता है, जिनको कि जो लेडीज़ होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बर्शक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनका कहना नहीं मानते। तो ऐसे में जो एक महिला होती है उसको घुटन होने लगती है, तो वो अपने मन में सोचती है कि कैसे मैं अपने पति को ऐसा कर दूं कि वो मेरी बात माने, वो मुझे प्यार भी करे, लाड़ दुलार करे और मेरी हर बात को वो माने। तो हर पत्नी की यही इच्छा होती है। तो कुछ पतियाँ अपने पत्नियों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, किसी भी प्रकार की उनको आज़ादी नहीं देते हैं, सख्त करते हैं, तो उस महिला का जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही मैं महत्वपूर्ण बातें इसमें बताने वाली हूँ। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पति हैं रोज़ाना आपके घर में आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको मारते पीटते हैं, बच्चों से प्रेम नहीं रखते, आपको घर खर्चा नहीं देते हैं, या आपको कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाते, या आपकी वो बात नहीं मानते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अब सब कुछ आप करके थक चुकी हैं, तो लेकिन एक बार ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। कहते हैं उम्मीद ही सहारा होती है। तो आप यदि परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि आपके आदमी जो हस्बैंड है वो दारू भी पीते हैं, जुआ खेलते हैं, आपकी बात नहीं मानते, मारपीट करते हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है आपके प्रति, तो इन उपायों को आप अवश्य करिए। देखिए किस तरीके से आपकी जो ज़िंदगी धीरे धीरे बदल जाएगी। लेकिन विश्वास के साथ करिएगा, ऐसा नहीं कि आपको विश्वास ना हो। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी चीज़ कारगर आपके लिए नहीं होगी। इसलिए कोई भी उपाय आप करती हैं तो उसमें विश्वास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं तो इन सब चीज़ों को आप करें। बस का कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके उंगली पर नाचे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो आपको प्यार करें, दुलार करें और आपकी बातों को वो अच्छे से समझें, उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाए। तो इसलिए ये कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए, आपको लौंग लेनी है। लौंग का आपको उपाय बताती हूँ। देखिए, शनिवार की आधी रात में आपको कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग लेनी है। जी हाँ, गिनकर आप 7 लौंग ले लीजिए। लौंग आपकी टूटी फूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अच्छे फूलदार आप लौंग लेंगे और 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले जो संडे हो रविवार को इनको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति के अलावा अन्य किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जो भी आप प्रयोग अपने पति पर कर रही हैं, अन्य किसी पर कर रही हैं, आपको लगेगा कि हाँ, जो भी आपने उपाय किया है वो उसका असर धीरे धीरे नज़र आ रहा है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि शनिवार की अर्धरात्रि को 7 लौंग लेकर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और रविवार को इनको आप आग में जला दें। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको उपाय करना है, और देखिए इसका कितना असर होता है, कितनी आपको राहत मिलेगी इसको करने से। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए, शयन कक्ष में गूगल की ध्वनि दें। जो भी आपका बेडरूम है उसमें आपको गूगल की ध्वनि करनी है। कैसे करना है, देखिए, अगर आपके जो हस्बैंड है किसी और लेडीज़ के साथ फ्लर्ट करते हैं, या उनका फ्लर्टी नेचर है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो, हर संडे को शाम के समय अपने घर और बेडरूम में गूगल की ध्वनि आपको देनी है। ध्वनि करने से पहले उस जो स्त्री है उसका नाम लें और कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से जल्दी छूट जाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको ज़रूर इस प्रयोग का लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कही है कि जो भी आप प्रयोग कर रही हैं उसमें आपका श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो कारगर नहीं होगा। ध्वनि करें आप अपने बेडरूम में, पूरे घर में गूगल की ध्वनि करें और उस स्त्री का नाम अवश्य लें जिससे कि आप चाहते हैं कि आपके पति का उससे छुटकारा हो जाए। तो ये आपको दूसरा उपाय करना है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये उपाय पूरे 1 महीने तक करना है। पूजन में आपको क्या करना है, गाय का घी का दीपक आपको जलाना है। जब आप गाय का दीपक जलाएं तो आपको 1 मंत्र उस दीपक के सामने जपना है
ओम ह्रीम वांछितम मे वंश मान्य स्वाहा। ओम ह्रीम वांछितम मे वंश मान्य स्वाहा का आपको जाप करना है। प्रतिदिन एक माला का जाप एक माह तक करने से किसी का भी वशीकरण आप आसानी से कर सकती हैं, लेकिन आपको विश्वास होना बेहद जरूरी है। कैसे करना है? घी का दीपक लेकर, जो दीपक जला रही है वो किस घी का होना चाहिए? गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। और जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। देखिए कि किस तरीके से आपको ये जो प्रयोग आप कर रही हैं वो असर करेगा, लेकिन विश्वास आपको अवश्य रखना है। अब आपको मैं जो चौथा बता रही हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ध्यान से करें और बड़ी सावधानी से आपको करना है, ठीक है। जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ उनमें से आप कोई भी उपाय कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे करने, जो भी आपको ईजी लगे वो आप विश्वास और श्रद्धा के साथ कर सकती हैं। तो देखिए आपको जो क्या करना है, जो आपके पति या जो भी जो मनुष्य की शिखा जहाँ पर होती है उस शिखा के बाल लेने हैं। तो कैसे करना है, देखिए जो स्त्रियां हैं उनके पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम में लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको वो किसी के प्रेम में इन्वॉल्व हैं, उनका संबंध किसी पराये स्त्री से है और आप उनको उनसे दूर करना चाहती हैं, तो उसके लिए देखिए ये उपाय मैं बताती हूँ। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको घर में गृह कलेश हो रहे हैं, आपके पति आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आपकी धन दौलत उसी पर लुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में घर बर्बाद होने लगता है। तो आपको क्या करना है, गुरुवार या शुक्रवार की रात में, ध्यान रखें गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे आपकी जो पति की चोटी वाली जगह होती है जिसको हम शिखा बोलते हैं, वहाँ से कुछ बाल आप ले लें, कुछ बाल आप काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ आपके पति की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और आपकी बात वो मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को आप जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर के बाहर फेंक दें। यदि ये प्रयोग आप अपने मासिक धर्म के समय करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी जब आपका पीरियड टाइम चल रहा होता है उस समय आप इस प्रयोग को करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उस समय इस प्रयोग को आप करके देखिएगा तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं दोबारा समझा दे रही हूँ, तो हो सकता है आपको सुनने में चूक हो गई हो कि गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की सिर की जो चोटी के बाल आपको वहाँ से लेने हैं, कुछ बाल लेने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कुछ बाल लेने, उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रख दें जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े। ऐसा करने से धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके हस्बैंड में इम्प्रूव हो रहा है। फिर आप क्या कर सकती हैं, जब आपको लग रहा है कि हाँ इम्प्रूव हो रहा है तो उन बालों को आप जलाकर अपने पैरों से रगड़कर कहीं भी फेंक दें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा, जिस स्त्री के प्रेम प्रसंग में आपके पति पड़े हुए उससे भी उनको आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये आपके लिए कुछ टोटके थे जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति आपको बात नहीं मानते, आपके पति आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपका जो आपके पति का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो इस तरीके के आप उपाय कर सकती हैं। और इन उपायों को करने से पहले ध्यान रखें कि इनको करने के साथ साथ आपको विश्वास और श्रद्धा भी उपयोग में लानी है। अगर आपको विश्वास और श्रद्धा नहीं है, गैर मन से आप किसी के कहने पर इनको कर रहे हैं तो ये फलदायक नहीं होगा, इसलिए इन पर आपको विश्वास करना बेहद ज़रूरी। और देखिए ये कैसे असर करती हैं। अगर आप परेशान हैं तो इन उपायों को ज़रूर अपनाइएगा। तो प्यारी बहनों, प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।